दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के दिन आईटी सेक्टर कंपनियों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। टीसीएस जहां पर हमें 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली, वहीं इन्फोसिस के अंदर भी लगभग 3 से 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे का रीज़न जानने की अगर कोशिश करें तो कल के दिन टीसीएस ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। रिजल्ट में जो टीसीएस के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशंस को टीसीएस बीट नहीं कर पाई थी, जिसके चलते आज के दिन ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट में हमें आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली और उसी का असर हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज के दिन फर्स्ट सेशन में एपीएस माइंड के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद दिखते ही दिखते अगेन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है और जो क्लोजिंग निकल कर आती है वो हमें एज इट इज यानी कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर आज के दिन क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 13 अप्रैल 2023 आज के दिन एक प्रेस रिलीज निकल कर आई है, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड इन नील सेन ने यहां पर पार्टनरशिप करी है। ब्रांड बैंक पार्टनर टू सॉल्व प्रोडक्ट डाटा एंड शॉपर एक्सपीरियंस चैलेंजेस। तो ये पार्टनरशिप के चलते हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के जो सीईओ हैं, जो कि राजीव शाह हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, उनकी तरफ से क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है, वी आर थ्रिल्ड टू फर्दर स्ट्रेंथ अवर पार्टनरशिप विद NIQ ब्रांड बैंक, अ ट्रू मार्केट लीडर इन अ डिजिटल प्रोडक्ट कंटेंट। वी आर कमिटेड टू डिलीवरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट हेल्प अवर क्लाइंट्स ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस। तो ये काफ़ी शानदार पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों को यानी कि NIQ ब्रांड बैंक को और हैप्पीएस्ट माइंड को, दोनों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आपने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर खरीदारी कर रखी है, 760 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में इन्फोसिस से जुड़े क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी शेयर कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।